अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। और बाकी दूसरी बात यह है कि यार माजरत, क्योंकि कुछ दिनों के लिए सिस्टम भी ठीक नहीं था, इंटरनेट वगैरह का इशू आ रहा था और मैं कोई 3-4 दिन के लिए किसी दूसरे शहर में चला गया था, जिसकी वजह से जो है ना वीडियो मैं बहुत लेट सेंड कर रहा हूँ। तो मेरा क्योंकि मकसद यही है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ बेहतर सिखा सकूं, वो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जो चीज़ें मैं खुद इंप्लीमेंट कर रहा हूं, और उन्हीं चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि आप लोगों ने भी इस तरह से काम करना है। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह आज हम जो है ना अब अपने इस कोर्स को आगे लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि वो लोग जिनको फाइवर टेस्ट पास करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है, तो आज मैं उनके लिए ना एक बहुत ही कमाल किस्म की एक ट्रिक लेकर आया हूँ कि आप उसी ट्रिक को यूज़ करते हुए फाइवर का टेस्ट अपना पास कर सकते हैं, और वो भी अच्छे खासे नंबरों के साथ। ठीक है जनाब, अब क्या करेंगे, क्योंकि वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती है मोबाइल के ऊपर। ठीक है, आपने काम क्या करना है, मेरी बात गौर से सुनने के टेस्ट के लिए, पहले पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी जो टेस्ट है ना उसको आपने फाइवर ओपन कर लेना है। कहाँ पे? ऊपर लैपटॉप के ऊपर। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ जनाब अपने इसमें प्रोफाइल की तरफ। यहाँ पे आके ना आपने अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेनी है। ठीक है, प्रोफाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट का जो सेक्शन होगा वो आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, तो ये टेस्ट सेक्शन है, टेक का टेस्ट मैं के ऊपर जूँ ही क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप लोगों के पास मतलब बेशुमार टेस्ट आ जाएंगे। आपने सारा टेस्ट नहीं देना, हर टेस्ट नहीं देना, आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ टेस्ट देने हैं। वो कौन से टेस्ट हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज या फाइवर इंग्लिश टेस्ट, आपने क्या करना है, फाइवर इंग्लिश टेस्ट देना है। ठीक है, तो ये भी मतलब ये है कि कुछ कुछ जगह पे आपको शो होता है, जैसे आप लोगों के पास जब आप गिग क्रिएट करने लगेंगे कंटेंट राइटिंग के ऊपर, आप उस वक्त आपसे टेस्ट मांगेगा वीडियो ट्रांसक्रिप्शन में। अगर आप कैटेगरी चूज़ करेंगे ना ट्रांसलेशन का, तो ये वहाँ पर भी आपको जो है ना क्या करेगा, ये चीज़ शो करवा देगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को मतलब ये है कि कहेगा कि आपने टेस्ट लाजमी देना है। यहाँ पे सीधा जाने के बाद नीचे स्टार्ट अ टेस्ट है, जो ही स्टार्ट अ टेस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वो आपसे पूछेगा भाई हाँ भाई आपने कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, इसको प्रोसीड करना है, उसके बाद प्रोसीड मतलब के ऊपर क्लिक करेंगे। अब टेस्ट आपने पास कैसे करना है, मैं अगर इसके ऊपर कंटिन्यू करूँ, मैं अभी कंटिन्यू इसको इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास जो है ना, मैं आप लोगों को अब मोबाइल के ऊपर कैसे दिखाऊँ कि आपने मोबाइल के ऊपर कैसे यूज़ करना है। ठीक है, कंटिन्यू जो ही आप इसके ऊपर करेंगे उसका तरीका अगर मैं आपको बता दूं कि कैसे करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, आप लोगों के पास मोबाइल होगा, गूगल प्ले में जाना है। ठीक है जनाब, आपने चले जाना है जनाब गूगल प्ले के अंदर। गूगल प्ले मतलब गूगल प्ले स्टोर के अंदर आपने चले जाना है अपने मोबाइल के अंदर। ये मैं आप लोगों को जो है ना यहाँ पे खोल के दिखा रहा हूँ लैपटॉप के ऊपर, क्योंकि मेरे पास मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है जो कि मैं आप लोगों को मोबाइल के ऊपर करवा के दे सकूँ। आपने सर्च में जाके लिखना, एक ऐप है जिसका नाम है ब्रेनली। ठीक है, ब्रेनली ऐप आपने ओपन करना है। ये पहले पहले वाला ऐप जो आ गया ब्रेनली, इसको आपने क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। क्या कर लेना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे, ये आपसे ईमेल मांगेगा, ईमेल के जरिए आप इसके अंदर रजिस्टर हो जाए। जो ही आप इसके अंदर रजिस्टर हो जाएंगे, जब आपका फाइवर टेस्ट स्टार्ट होगा, फाइवर टेस्ट स्टार्ट होने के साथ आपने साथ में गूगल लाजमी ओपन कर लेना है। ठीक है ना, गूगल क्या कर लेना है, लाजमी ओपन कर लेना है। अब मैं दो टैब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जनाब, मैं आप लोग समझाने के लिए फाइवर इंग्लिश टेस्ट, मतलब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फाइवर इंग्लिश टेस्ट। ठीक है जनाब, आपने क्या करना है, मैं ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से ना एक टेस्ट ले उठा लेता हूँ और उसके आंसर आप लोगों को कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो फाइवर इंग्लिश टेस्ट मैंने लिखा है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई टेस्ट, अच्छा ये मैं पहले ये ओपन कर लेता हूँ, ये डिजिटल मार्किंग, उसने क्या कहा है इसके आंसर। अब यहाँ पर देखो 9.2 से आंसर मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, चले जी मैं नीचे करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास टेस्ट आ चुका है। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ चुका है, टेस्ट आ चुका है। अब जूँ ही आप ब्रेनली ऐप ओपन करेंगे, साथ में आपने मोबाइल के ऊपर क्रोम ओपन करके गूगल ओपन कर लेना है। अब ये टेस्ट जूँ ही है ना, ये टेस्ट, अब यहाँ पर ये देख रहे हो ना, मैं इसी टेस्ट को क्या कर लेता हूँ, कापी कर लेता हूँ, क्योंकि मोबाइल के ऊपर आपके पास कापी नहीं होगा, आपने गूगल में जाकर खुद क्या करना होगा, टाइप करना होगा। ठीक है, आपने जो भी होगा जूँ ही आप उसको टाइप करोगे, टाइप करने के बाद पूरा कोई लंबा क्वेश्चन नहीं होता, थोड़ा सा क्वेश्चन होता है, आप 40 मिनट के अंदर पूरा का पूरा टेस्ट जो है ना आप अटेम्प्ट कर सकते हो। गूगल में जाकर वो अपना टेस्ट लिखना है, क्योंकि मैंने कॉपी किया, मैं इसको कॉपी करके जूँ ही पेस्ट करूंगा, मैं जूँ ही इसके ऊपर एंटर करूंगा, तो आपको मैं यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि भाई आपका जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पड़ा हुआ है, इसका आंसर भी पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है, brainly.in, समझ आ रही है ना, कौन सी ऐप है जो कि मैंने आप लोगों से इंस्टॉल करवाई, brainly।
अब जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो मोबाइल के अंदर जो है ना वो आपसे ऑप्शन मांगेगा कि आप इसको क्रोम के अंदर ओपन करना चाहते हैं या ब्रेनरी ऐप के अंदर ओपन करना चाहते हैं। आपने ऐप वहां पे सिलेक्ट करनी है। ऐप क्यों सिलेक्ट करनी है? आपने ऐप वहां पे इसलिए सिलेक्ट करनी है क्योंकि ऐप के अंदर जल्दी से ओपन हो जाता है और कभी कभी जो है ना क्रोम मसला कर जाता है, इसलिए। अब जो इसके ऊपर ओपन करेंगे तो नीचे आपके पास वो आंसर बता देंगे कि हाँ भी इसका आंसर क्या है, ठीक है। यहाँ पे वो डिटेल के साथ नहीं बता रहा, वहां पे वो डिटेल के साथ बताता है कि इसका आंसर क्या है। नीचे वो आंसर बता देते होते हैं कि हाँ भाई इसका जो आंसर है वो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये वाला आंसर है, ठीक है। अब ये वाला आंसर कौन सा है, यहाँ पे आप लोगों के पास लिखा हुआ होगा मेरे ख्याल में, ये वाला आंसर है। तो आपने इसी के ऊपर सिलेक्ट करके उसको नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। सेम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपने एफ यू लीव द ब्रेड, ठीक है। आपने सेम आउट तक जो ही लिखेंगे ना यहाँ पे, ठीक है, एफ से लेकर आउट तक आप जो ही लिखेंगे एंटर करेंगे तो वो, मैं अगर इसी को कॉपी करके ना सीधा जाकर मैं इसको गूगल में, ठीक है, मैं गूगल में जहाँ पे मैंने इसको जूं ही यहाँ पे इंटर किया, उसने कहा कि भाई आपका ये जो है ना क्वेश्चन पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, ब्रेनरी के अंदर पड़ा हुआ है। आप इसके ऊपर जूं ही क्लिक करोगे या नीचे भी, ये देखो ये पूरा पूरा आ गया, ठीक है। नीचे अब एक मिनट, यहाँ पे आपने देखना है कि क्योंकि इसके अब इसको मैंने ओपन किया, नीचे मैंने इसको ओपन किया, आगे उसने जो है ना ये देखो मुझे उसके चार ऑप्शन भी दे दिए कि वोड या ये क्या क्या चीज़ आती है। आपने यहाँ पे भी ये ब्रेनली का है और ये भी ब्रेनली का है, आपने उसी को ओपन करना जिसमें ऑप्शन भी शो हो रहे हो। अब यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया, नीचे आप चलेंगे, ठीक है, ऐप के अंदर वो कहते हैं वेल इज़ द आंसर, वेल इसका आंसर है, ठीक है, वोड नहीं है, वेल इसका आंसर है, तो वेल के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, चारों के मतलब जितने भी 40 क्वेश्चन हैं आपने इसी तरह से करने हैं। सेम आपने सेम आगे क्या करना है, अगले क्वेश्चन के ऊपर जाना है। मतलब आप ये तो मैं इसलिए कॉपी कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। आप क्या करेंगे, आप सीधा जाके गूगल में ये चीज़ पेस्ट करेंगे। अब गूगल में ये चीज़ लिखने के लिए कौन सा आप लोगों के पास टाइम लगेगा, तकरीबन कोई 5 सेकंड भी नहीं लगे। आर यू द पर्सन इन चार्ज देयर, ठीक है। अब उसने नीचे अब कामा है, फुल स्टॉप है, क्या चीज़ है, ये तमाम चीज़ें क्या करनी है आपको बता देगा। जो ही मैं इसको कॉपी करके सीधा जाके मैं इसको गूगल में पेस्ट करूंगा, आपने गूगल में जाके लिखनी है, वो पहले पहले बता देगा भाई मेरा आपका ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है। अब ये देखो उसने कहा कि ये वाले ऑप्शन है उसके, ये वाले ऑप्शन, समझ आ रही है ना। तो आपने जो ही इसके ऊपर क्लिक करना है आपको ये आंसर जो है ना वो पहले पहले शो करवा देगा। अच्छा, ये मैं इसके ना दो तरीके, वो कहते हैं कि सवाल निशान जो है ना इसका जो क्वेश्चन मार्क है ये उसका क्या है आंसर है, तो आपने क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ रही होगी कि आपने टेस्ट के लिए क्या करना है, अपना ये सेटअप गूगल से जाकर लिखना है, ब्रेनली ऐप आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये कि जो जो आपका ब्रेनली ऐप है ना वो क्वेश्चन को स्कैन करेगा, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन होता है कैमरा ओपन हो जाता है, वो क्वेश्चन को स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद वो आपको आंसर दे देता है। मैंने लेकिन वो मेथड आप लोगों को क्यों नहीं बताया, हालांकि वो इजी मेथड था, वो मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम जूं ही स्क्रीन के ऊपर अपना कैमरा लेकर जाते हैं हमारा कैमरा ब्लर हो जाता है और जिसकी वजह से वो क्वेश्चन जो है ना अच्छे तरीके से वो स्कैन नहीं कर पाता और बाद वो फिर हमें कहता है कि भाई आपका क्वेश्चन जो है ना आप मतलब रीट्राई करें, सही तरीके से स्कैन करें, वो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़ाया होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ये चीज़ 2-3 टेस्ट मैंने ऐसे अपने जो है ना वो कैंसिल किए हुए हैं जिसकी वजह से 90 दिन के बाद 30 मंथ के बाद जाके 3 मंथ के बाद मेरा टेस्ट जाके मतलब दोबारा पेयर किया, दोबारा मैंने टेस्ट दिया। तो इसलिए मैंने उस चीज़ से बचने के लिए गूगल आपने ओपन कर लेनी है, अपना क्वेश्चन गूगल में पेस्ट करना है। जो ही आप क्वेश्चन ओपन करेंगे ब्रेनली ऐप का जो है ना उसका जो है ना पहले पहले लिंक के अंदर जो है ना वो ब्रेनली लिंक के अंदर वेबसाइट के अंदर आपका क्वेश्चन आ जाएगा, उसको ओपन करना है। मोबाइल के अंदर वो आपसे ऑप्शन मांगेगा कि ब्रेनली के अंदर ऐप के अंदर ओपन करना है या क्रोम के अंदर ओपन करना है। आपने ब्रेनली ऐप वहाँ पे सेलेक्ट करने के वहाँ पे उसके आप ओपन करेंगे तो वो आपको जल्दी शो करवा देगा। तो इससे जो है ना आपके टेस्ट के तकरीबन कोई 7 से 10 मिनट बच जाएंगे, आप टेस्ट पहले कर लोगे और आपका टेस्ट 100% पास होगा, 100%। तो जिन जिन लोगों को 5 टेस्ट का मसला था वो इसी तरह से अपना टेस्ट पास कर सकते हैं। और बाकी ये है कि इसमें इंग्लिश का टेस्ट तो लाजमी होता है, बाकी जो एससीओ रिलेटेड टेस्ट होता है उसके भी कुछ क्वेश्चन होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो है ना आपका हर टेस्ट फाइवर के हर टेस्ट का आंसर होगा, ये इंग्लिश के आंसर तो आप इसमें लाजमी सारे आंसर हैं। अच्छा, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कहते हैं कि आपने इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, वो आंसर आप लोगों को ब्रेनली ऐप में बहुत कम मिलेंगे, वो आपने खुद देखने होंगे, ठीक है। तो कुछ मतलब इसी तरह से मोस्टली आंसर आप लोगों को मिल जाते हैं, अगर वो मतलब करेक्ट सेंटेंस का वाला होगा ना तो करेक्ट सेंटेंस वाला कोई 1-2 ऑप्शन ही होगा, ठीक है, कोई 1-2 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको नहीं मिलेंगे तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। होप सो आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ब्रेनली ऐप के जरिए आप अपना टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। और इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। और इसके अलावा फाइवर का मतलब जो भी मेथड मेरे पास आता जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है ना इन फ्यूचर इसके अंदर हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे
ब्लॉगिंग हम वर्ल्ड प्रेस के थ्रू भी करेंगे, हम आप लोगों को जो है ना प्रोग्रामिंग भी सिखाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप ये चीज़ें अप्लाई करो, ठीक है। इन चीज़ों को अप्लाई इंप्लीमेंट करने के बाद आप इनको देखो, आप इनको इंप्लीमेंट करो, अपना फाइवर टेस्ट क्लियर करो, अपनी गिग्स क्रिएट करो, 7 गिग्स आप क्रिएट करनी है। एक बात मैं आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि आप मेरे यहाँ पे एक वीडियो पढ़ी है नेम सजेशन के बारे में, बिजनेस नेम सजेशन, तो वो गिग नेम सजेशन की जो गिग है ना आप लोगों ने लाजमी क्रिएट करनी है। वो इसलिए क्योंकि एक क्लाइंट आता है, उसने अपने बेबी बिजनेस वगैरह का जो भी मतलब ये कि एक नेम सजेस्ट करवाना होता है ना, वो आपको ऑर्डर लाजमी देगा। वो सिर्फ आपको ऑर्डर नहीं देगा, वो 3-4 क्लाइंट को ऑर्डर देगा। उसके लिए $10-15-20 जो है ना वो कुछ भी नहीं है, $5 का एक ऑर्डर होता है, आपको $5 का ऑर्डर लाजमी मिलेगा। उसमें वो आपके आके ऑर्डर लाजमी देगा, वो आपसे कहेगा कि मुझे ना यार एक मेरा बिजनेस जो है ना ये कपड़ों का है या जूतों का है या किस चीज़ के जैकेट्स का है, ठीक है, या परफ्यूम्स का है, तो मुझे जो है ना इस अपने बिजनेस के वाले से एक नेम सजेस्ट करके दें। वो आपका नेम भी आपसे भी लेगा, उसके अलावा वो क्या करेगा, वो उसके बाद वो नेम आपसे कहाँ से लेगा, आप दूसरे क्लाइंट से लेगा, तीसरे चौथे तीनों क्लाइंट से जो भी नेम उसको पसंद आएगा वो लेगा, लेकिन आपको वो अच्छे रिव्यू के साथ अच्छे $5 का ऑर्डर लाजमी देकर ही जाएगा। उसके ऊपर गिग आप लोगों ने लाजमी बनानी है। ईमेल मार्केटिंग की तरफ हम नेक्स्ट चलेंगे, ईमेल मार्केटिंग हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा बाकी बहुत सारे बेशुमार ऐसे स्किल्स हैं छोटे छोटे, पहले हम छोटे छोटे कवर करवाएंगे, ठीक है, जिन लोगों के पास जो है ना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो बड़ी बड़ी है ना वर्ल्ड प्रेस हो गया, SEO वगैरह, उसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्ट चाहिए होती है। अब इन्वेस्ट के लिए जो है ना मैं फिर छोटी छोटी स्किल इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि जिनके पास इन्वेस्ट नहीं है वो इन स्किल्स को यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ तो अर्न कर सके, अपना एक मतलब एक वे बना ले, अपना एक रास्ता बना ले ऑनलाइन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के अंदर जो है ना आकर अपना मतलब ये तमाम चीज़ डिस्कस कर ले। 3 निश्चित मैं आप लोगों को ऐसे बताऊँगा निश्चित जिसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है, और वो उसके ऊपर मेहनत भी करनी है, और आप लोगों को अच्छा खासा इनकम जनरेट करके देंगे, ठीक है जनाब। इस वीडियो के लिए इतना ही, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।